देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैनपुरी सीट को लेकर चर्चा जोरों पर है कि मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव खुद उतरेंगे या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारेंगे। देखिए, नाम आ रहा था मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव का, शिवपाल यादव का, इनफैक्ट प्रतीक यादव का भी नाम सामने आया, लेकिन प्रतीक यादव ने कहीं ना कहीं अपने उस नाम से किनारा कर लिया और उन्होंने कहा कि वो राजनीति में ना पहले थे और ना आगे आने वाले दिनों में वो दिखाई देंगे, तो उनका नाम यहाँ कट हो गया था। धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया था, तो तीन नामों की चर्चा हो रही थी, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव। लेकिन अब इन तीनों ही नामों पर अंकुश लगाते हुए, पूर्ण विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले चर्चा चल रही थी कि डिंपल यादव को उतारा जाएगा, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ जो तकरार है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है अखिलेश यादव की। लेकिन अभी खबर आ रही है कि डिंपल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव सबको किनारे कर दिया अखिलेश यादव ने, और वो मैनपुरी सीट से खुद उतरने की इच्छा जता रहे हैं, खुद उतरने का प्लान बना रहे हैं। और अगर देखिए, ये रणनीति अगर उन्होंने धरातल पर उतारी तो वाकई इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इस बात का डर है कि अगर वो ऐसे उम्मीदवार को मैनपुरी सीट का जिम्मा सौंपते हैं जो कि उसके काबिल नहीं है, तो उनके पिता की जो सीट है मैनपुरी सीट, वो उनके हाथ से निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, शायद इसी लिहाज से उन्होंने अब ये सोचा है। दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ही उतरेंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।